नमस्ते सर, नमस्ते दोस्तों। मैं ऋषभ चौहान, मेरा नेशनल यूथ पार्लियामेंट में मेरा सब्जेक्ट महिला सशक्तिकरण का विषय है। महिला सशक्तिकरण आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान 21वीं सदी में सबसे बड़ी आवश्यकता महिला सशक्तिकरण है और भारत सरकार के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकाली गई। यह योजना एक ऐसी योजना है जो महिला बाल विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केवल एक ही मंत्रालय नहीं, 4-5 मंत्रालयों को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें बेटियों की शिक्षा पर और उनके जो अनुपातिक जो दर गिर रही थी उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। इसके अलावा जब देखा जाए तो भ्रूण हत्या, इस योजना के द्वारा भ्रूण हत्या बंद हुई है और बेटी बालिकाओं की शिक्षा में यह योजना नील का पत्थर साबित हुई है। केवल इतना ही नहीं, जब पहली जनगणना भारत की हुई थी 1951 में, जब रेशियो 984 बालिकाओं पर 1000 लड़के थे और 2001 की जब जनगणना हुई तो 927 पर वह रेशियो पहुंचा 1000 लड़कों के, और जब 2011 में जब जनगणना हुई तो वो घटकर 918 हो गया 1000 बच्चों पर। इसी चीज को देखते हुए जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने इस चीज को ध्यान रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाए और इससे फर्क ये हुआ कि आज वह रेशियो बढ़ चुका है। और इसके साथ सुकन्या समृद्धि योजना लाए, सुकन्या